डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमें अगर अच्छा मार्क्स गेन करना है तो उसके लिए हमें सिलेबस का पता होना चाहिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम तैयारी करेंगे तो हम अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, और पूरे सिलेबस को कवर करके अगर हम एग्ज़ाम देंगे तो हम अच्छा परफॉर्म भी एग्ज़ाम में करेंगे। तो मैं आपके लिए क्लास 11th का फिजिक्स का सिलेबस तैयार करके लाया हूँ, जो कि इस पेंडेमिक में बहुत सारा रिड्यूस किया गया है, तो आप प्लीज़ सिलेबस देखिए। डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपको सिलेबस के बारे में बताता हूँ। क्लास 11th के फर्स्ट जो आपका यूनिट है उसमें आपको जो पढ़ना है वो है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, कंपटीशन एंड वेरियस स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, खेलो इंडिया प्रोग्राम, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। और फिजिकल एजुकेशन एक्चुअली है क्या, इसके बारे में आपको अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा जो डिफिनीशंस दी गई है, जो उसकी मीनिंग बताई गई है, इसकी आपको जानकारी मिलेगी। अब हम बात करते हैं यूनिट टू की। यूनिट टू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, इसमें ओलंपिक से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आपको दिए जाएंगे। ओलंपिक सिम्बल्स, ओलंपिक आइडियल्स, ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक का जो है जो ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में बताई जाएगी और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में आपको बताया जाएगा, और आपको ये सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो यूनिट है आपका, थर्ड यूनिट है, वो है फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल, जिसमें कि आपको इसके मीनिंग, इम्पोर्टेंस और कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, हेल्थ के कंपोनेंट्स, आपको इसके बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी देगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये इसका काफ़ी चीज़ें जो इसकी आपको 12th क्लास में सेम मिलती हैं। तो ये काफ़ी, इसके कुछ कुछ टॉपिक जो है 12th क्लास में हैं, जो कि आपको हेल्प देते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं यूनिट 4 की, वो है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSW चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, दिव्यांग। इसमें जो है हैंडीकैप्ड और जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए जो है प्रोग्राम सेट किए जाते हैं वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, और इसको जो है सिलेबस में डाला गया है कि किस तरह से हम जो नीडी पीपल हैं उनको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें और उनके स्पोर्ट्स में उनकी रुचि डेवलप की जाए, जाती से वो अपने जो कैरियर है उसको अच्छे से सर्वाइव कर सके और मनोरंजन का वो फ़ायदा ले सकें, क्योंकि स्पोर्ट्स सबसे बड़ा मनोरंजन का माध्यम होता है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 5, दैट इज़ योगा। आज जो है इस पेंडेमिक में योगा का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, इसको आप उससे ताकि उभर सकें। और इस चैप्टर, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके प्रैक्टिकल में भी ये इन्वॉल्व होता है ये चैप्टर, और आपके थ्योरी में भी है। तो इसको आप अगर अच्छे से तैयार करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल में इससे 7+5 मार्क्स मिल सकते हैं, प्लस आपको थ्योरी में भी ये 15 नंबर तक आ सकता है इस चैप्टर से। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको इसमें पढ़ना है। इसमें आपको आसान प्राणायाम, मेडिटेशन, योगिक क्रियाज, और इसमें आपको इसके एडवांटेज और इसमें क्या क्या आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी है, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी। और नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 6, दैट इज़ अ फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। इसमें आपको, क्योंकि प्लेयर्स का जो सबसे बड़ा गुण होता है, जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, दैट इज़ अ लीडरशिप क्वालिटी। वी कैन डेवलप लीडरशिप क्वालिटी ईच एंड एवरी स्टूडेंट, और फिजिकल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत तेज़ी से डेवलप होती है, बहुत अच्छा उनका इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स भी है इसमें, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, यूनिट है, वो 7 यूनिट है, टेस्ट मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इसमें क्या है, आपको टेस्ट मेजरमेंट के बारे में पूरी जानकारी लेनी है। टेस्ट जो है किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ का, या हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, हमारी इंडोरेंस कितनी है, हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, हमारा बॉडी मास इंडेक्स क्या है, सब चीज़ की जानकारी, मेजरमेंट की जानकारी, फिटनेस से रिलेटेड आपको कैसे उसको टेस्ट करेंगे, फिटनेस कैसे टेस्ट करेंगे, बहुत सारे टेस्ट हैं उसके माध्यम से हम इस चैप्टर में सीखेंगे। नेक्स्ट है आपका यूनिट 8, दैट इज़ अ फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें जो है आपको बायोलॉजिकल पोर्शंस बहुत सारे पढ़ने को मिलेंगे, एनाटॉमी आपको मिलेगा, किनेसियोलॉजी मिलेगा, फिजियोलॉजी मिलेगा, और उसका यूज़ क्या है स्पोर्ट्स में, बायोमैकेनिकली हम उसको एनालिसिस करना सीखेंगे,
और इक्विलिब्रियम क्या है, बैलेंस क्या है, डायनेमिक, स्टैटिक, सेंटर ग्रेविटी, ये सब का अध्ययन जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है, और उसका हम स्पोर्ट्स में कैसे यूज़ करते हैं, ये इस चैप्टर में आपको इसकी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट है साइकोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स। इन नाउ डेज स्पोर्ट्स इतना हाई लेवल पर पहुंच गया है कि इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकली प्रेशर भी आते हैं खिलाड़ी के ऊपर, लेकिन उस प्रेशर को कैसे हमें रिलीज करना है, कैसे हमें रिलैक्स होना है, इन सब टेक्निक्स के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। और दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और हम चूंकि आज की जो हमारी लाइफ है, लाइफ स्टाइल, उसमें बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली प्रेशर है, हर एक स्टूडेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकली प्रेशर है, उस प्रेशर से कैसे हम बाहर निकलेंगे, इस चैप्टर के माध्यम से हमें सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अ ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। अभी जो है जीत की चाहत में बहुत सारे खिलाड़ी जो है डोपिंग का सहारा लेते हैं, जो कि इनलीगल है, और ऐसे खिलाड़ी को पकड़ने के लिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बनी है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी बनी है, जो कि बीच बीच में नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स के जो कि टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनका कभी भी रैंडम सैंपल लेकर चेक किया जाता है। इस चैप्टर में आपको बहुत जो है चीज़ें आपको बताई जाएंगी, और क्या क्या इसके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, क्या कैसे चेक किया जाता है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर बिहाइंड दैट, हम लोग इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी देंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, तो ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट समाप्त होता है। प्रैक्टिकल पार्ट जो है मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल पार्ट जो है आपका इसमें फिटनेस टेस्ट है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इसमें आपका ये है ये 5 मार्क्स 6 मार्क्स का आपका फिटनेस फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो जाता है। प्रोफिशिएंसी जो कि आपको एक गेम इसमें सेलेक्ट करते हैं, वो आपको उसका स्किल शो करना पड़ता है, उसमें आपकी आपका परफॉर्मेंस किस लेवल का है वो 7 मार्क्स का होता है। योगिक प्रैक्टिस, जैसा कि मैंने पहले योगा का चैप्टर चल बता रहा था, तो मैंने बताया था इसमें आपको देखिए 7 मार्क्स का आपका योगा डेमोस्ट्रेशन है, जो आप आसन का डेमोस्ट्रेशन करते हैं एंड उसके बारे में आप उस डिटेल में बताते हैं, तो उस परफॉर्मेंस पे आपको 7 मार्क्स मिलते हैं। रिकॉर्ड फाइल पे आपको जो है 5 मार्क्स मिलते हैं, और वाइवा पे आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। प्लस आप इस जो यहाँ पे गेम दिए गए एथलेटिक्स, आर्चरी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, इनमें से किसी एक के बारे में आपको बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाना है, उसके स्किल को अच्छे से परफॉर्म करना आना चाहिए आपको, ताकि आप 30 out of 30 marks के लिए फाइट कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, कीप रेडी, आपको मैं सिलेबस वाइज पूरे एक एक चैप्टर का, एक एक टॉपिक का आपको मैं वीडियो बना के दूंगा, और आप इसको एंजॉय करिए, लर्न करिए, और ये टारगेट में लेके चलिए कि आपको फिजिकल एजुकेशन में 90+ मार्क्स गेन करने हैं। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।